केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। बदन सिंह बद्दो कोई बकरी का बच्चा नहीं जो झट से दौड़े और पकड़ लिए। कुछ ऐसा ही संदेश दे रहा है 5 लाख रुपए का इनामी कुख्यात बदन सिंह बद्दो। 2019 से बदन सिंह बद्दो पुलिस हिरासत से फरार है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हुए वह पुलिस और एसटीएफ को बराबर चैलेंज देता रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। हाल ही में बलात्कार के आरोप में फंसे दानिश अखलाक के बड़े भाई साकिब की लग्जरी कार में बदन सिंह बद्दो को एक खास आदमी की वीडियो वायरल हुई थी। इसमें कार की अगली सीट पर बैठा युवक बद्दो का खास बताया जा रहा है। लंबे समय तक बदन सिंह बद्दो के लिए काम करने वाला यह युवक इन दिनों मीट व्यवसाय में उतरा हुआ है। साकिब अखलाक से इसकी नजदीकियां भी काफी कुछ इशारा कर रही है। इस बीच आज बदन सिंह बद्दो के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने वाले ठाकुर अभिषेक सोम ने मेरठ पुलिस कप्तान से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। अभिषेक का कहना है कि जिस तरह हाल ही में संजीव जीवा की हत्या में बदन सिंह बद्दो का नाम सामने आया है, उसे देखते हुए उन्हें भी अब अपनी जान खतरे में लग रही है। पुलिस कप्तान ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दरअसल 28 मार्च 2019 को बदन सिंह बद्दो बेहद ही सुनियोजित तरीके से पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। फरारी के लिए बदन ने उस दिन को चुना जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। कागजों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी और आला अफसर हर स्थिति पर कड़ी नजर लगाए हुए थे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अदालत व जेल के बीच कहीं मेरठ नहीं आता है, लेकिन उसकी उंगलियों पर ठुमके लगा रही यूपी पुलिस उसे मेरठ के मुकुट महल ले आई। दिल्ली रोड स्थित मुकुट महल बदन सिंह बद्दो के खास दोस्त का है। होटल पहुंचकर वहां शराब और शबाब की पूरी व्यवस्था कराई गई, जिसमें पुलिस अपने होश खो बैठी। नशा जब तक तारी हुआ, बदन सिंह बद्दो बहुत दूर तक जा चुका था। मेरठ जिले में ही पुलिस की लंबी चौड़ी फौज काम करती है। एसएसपी, डीआईजी, आईजी से लेकर एडीजी तक यहां बैठते हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उधर आज अभिषेक सोम ने मेरठ पुलिस कप्तान से मुलाकात के बाद फर्स्ट बाइट टीवी को यह कहा। मेरा नाम ठाकुर अभिषेक सोम है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। हम लोगों ने मेरठ के सबसे बड़े कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें तत्कालीन प्रमुख सचिव गृह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तलब किया और इनसे कार्रवाई की मांग की। तब जाके उत्तर प्रदेश शासन ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो के खिलाफ कार्रवाई की और उसके घर को ध्वस्तीकरण किया और इनाम उस पर बोला गया। अब इतने लंबे समय के बाद बदन सिंह बद्दो जो फरार है, अभी तक पकड़ा नहीं गया है। अभी जनहित याचिका भी वो पेंडिंग है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। और बदन सिंह बद्दो की संजीव जीवा, जो अभी दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से खबरें प्रकाशित हुई, पता लगा कि संजीव जीवा की भी हत्या उसने कराई है और लॉरेंस विश्नोई के गैंग से भी वो जुड़ चुका है, तो हम लोगों को खतरा है। हमें हमारे पूरे परिवार को सुरक्षा की आवश्यकता है। अगर हमें कुछ होता है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस शासन सरकार जिम्मेदार है। पान साहब ने कहा है कि हम देखते हैं और सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। सुरक्षा की अभी आवश्यकता है, घर में बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई हैं, बहन हैं, तो अगर हमें भी सुरक्षा नहीं मिलेगी तो फिर और किसे सुरक्षा मिलेगी। एक अपराधी जो फरार है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कुख्यात अपराधी है, लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तमाम बड़े से बड़े गैंगस्टर्स की हत्या करा रहा है और तब भी उत्तर प्रदेश पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। हम लोग उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम भी असुरक्षित हैं, तो इसके लिए सरकार शासन जिम्मेदार है और कुछ भी होता है उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, मेरठ पुलिस जिम्मेदार है, हमें कुछ भी होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। और हाँ, यह जानकारी आपको कैसी लगे
कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।